हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बसंत पंचमी स्पेशल बेसन के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाएगी। बेसन का हलवा बनाने के लिए ये सारा सामान मैंने रख दिया है। एक कटोरी बेसन लिया है और जितना बेसन लिया है उतनी ही चीनी ली है। इसके बाद हमने लिया है घी, जितना बेसन लिया है उसके हाफ क्वांटिटी उसका घी लिया है। इसके बाद 3 टेबल स्पून सूजी ली है, रवा, और हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है केसर, केसर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए केसर यूज़ किया है। आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हमने लिया है इलायची पाउडर। एक बार मैंने फिर से आप सबको दिखा दिया है कि मैंने कितना क्या क्या लिया है। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और जो हमने घी लिया था पहले उसी में से थोड़ा सा घी निकालेंगे, ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। ये हमने घी निकाल लिया है, कढ़ाई गर्म होने लगी है तो हम इसमें घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को चलाते रहेंगे जिसमें अच्छे तरीके से क्रंची हो जाए, जलने ना पाए। हमने ड्राई फ्रूट्स को कट नहीं किया है क्योंकि जब हम कट कर देते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा कटा हुआ जो भी होता है, छोटा छोटा चूरा जैसा निकल आता है, तो उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं घी को, तो इसलिए हमने पूरे फ्राई कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद हम कट कर देंगे और इसी घी का दोबारा यूज़ कर लेंगे हलवा बनाने में। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं तो अब मैंने एक कटोरी में निकाल लेंगे। कढ़ाई में जो घी बचा हुआ था उसमें हम बेसन डाल देंगे जो एक कटोरी हमने लिया था, और उसे अच्छे तरीके से चला देंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद उसमें हम सूजी जो लिए थी हमने, रवा, उसे ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से चलाएंगे। जो इसमें हल्के हल्के लंग्स दिख रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से हम लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। सूजी और बेसन को अच्छी तरीके से तब तक भूनना है जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो। लो फ्लेम ही रखना है जिसमें अच्छी तरीके से भूनता रहेगा। ये देखिए मॉइस्चर ख़त्म होने लगा है, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। आपके यहाँ बसंत पंचमी में क्या बनता है? मेरे यहाँ तो पीला कपड़ा और पीले कलर का खाना और भोग लगता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ क्या बनता है, किस चीज़ से भोग लगता है। सूजी और बेसन भुन चुका है तो अब जो बचा हुआ घी था वो इसी सूजी और बेसन में कढ़ाई में ऐड कर देंगे, लगभग 2 चम्मच है ये ऐड हो गया। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। घी, रवा और बेसन को अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी चला लेंगे जिसमें इसमें लंग्स ना बनने पाए। वैसे तो लंग्स बनते नहीं हैं इसमें, पर जब इसको चलाएंगे अच्छे तरीके से तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए जब हम घी डालेंगे तो बिल्कुल ऐसे लिक्विड टाइप का लग रहा है। और इसका घी डालने पे इसमें इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा डाला जाता है क्योंकि बेसन जो होता है वो तो ज़्यादा घी में ही अच्छे तरीके से पक पाता है और इसका टेक्स्चर अच्छा आता है हलवा बनने के बाद। जब घी, रवा और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। घी में ही इलायची पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप कैसे इलायची पाउडर डालते हैं, पहले या बाद में, कमेंट करके बताइएगा। इलायची पाउडर लगभग मिक्स हो गया है, ये देखिए। आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को के बीज निकाल के उसे कूट के इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर था तो मैंने इलायची पाउडर का यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। मिक्सचर को हम थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे इसी तरीके से। जब तक सूजी और बेसन इधर भून रहा है तब तक हम दूसरे साइड एक बर्तन रखेंगे, हमने भगोना लिया है, और इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और जो हमने चीनी ली थी वो इसी में ऐड कर देंगे।
एक चम्मच की हेल्प से चीनी को मिक्स कर देंगे, इस तरह से चला देंगे। उसके बाद हम उसमें जो हमने केसर ली थी वो ऐड कर देंगे, फिर चम्मच की हेल्प से इसे चलाएंगे और इसकी हल्की सी चाशनी या गोल समझ लीजिए इस तरीके से गैस पे रख देंगे। इसमें हम डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, बट इसमें क्या होता है जो हम चाशनी हल्की सी लाइट चाशनी बना के डालते हैं तो इसमें टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इधर हम हलवा को चलाते रहेंगे, सूजी और रवा जो हम भून रहे थे ध्यान देना है वरना फिर वो जल सकता है। ये देखिए इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है, बेसन लगभग भुन चुका है। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, जब ये कढ़ाई में पूरे बबल बबल दिखने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे कि बेसन भुन चुका है, तब इसमें हम चाशनी ऐड करेंगे। जब तक हमने इधर बेसन भुना है तब तक उधर हमारी चाशनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो अब हम चाशनी को बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये जो चाशनी है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार में ऐड करके मिक्स करेंगे, इसमें इसमें लंग्स नहीं बनेंगे। तो हमने एक बार ये ऐड किया और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेसन फूलने लगा है और एकदम से गाढ़ा हो गया तुरंत डालने पे। अब इसमें हम थोड़ा सा और चाशनी ऐड करेंगे, ये देखिए। अब फिर से इसे अच्छी तरीके से चला देंगे, ये देखिए मिक्स करने पे तुरंत से बेसन फूलने लगा क्योंकि अच्छी तरीके से भून दिया गया था। अब जो बची हुई चाशनी थी वो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी, फिर इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। आपको बेसन का हलवा पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई हमारी बेसन के हलवा की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। नहीं पसंद आई है तो भी बताइए कि आपको पसंद आई है या नहीं। आप किस तरह बनाते हैं, इसी तरह से इसे जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे और ये बन के तैयार हो गया है। देखिए में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में क्योंकि भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर जितना भूनने में टाइम लग जाता है खाने में उतना ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी होता है। इसका टेस्ट और भी अच्छा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। ये मैंने जो घी लिया हुआ था उसी में से हाफ टेबल स्पून घी बचा दिया था, वही घी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बनके तैयार हो गया है हलवा। अब ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हलवा बनके तैयार हो गया है तो एक बाउल में सर्व कर लेंगे। आप सबको ये बेसन के हलवे की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।